नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में रहने वाली 32 विमंतु, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के दर दर घूमने वाले बेघर लोगों के अपने स्थायी घर का सपना पूरा हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के दुर्गापुरा टोंक रोड स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमंतु, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टा वितरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में वह कैबिनेट मीटिंग में शामिल भी हुए, लेकिन एक बार फिर सीएम भजनलाल शर्मा से इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया है। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे पता है कि कुछ बीजेपी नेता आपको परेशान करते हैं, आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन पिछले दिनों यह आभास हुआ। अब उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनको सातों सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनके राजस्थान में प्रभारी अग्रवाल ने कहा है कि वह उनके पास खोने को क्या है। इससे साफ हो जाता है कि वह पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में आत्महत्या करने को मजबूर होने वाले संविदा कार्मिक मनीष सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा संविदा कार्मिकों के शोषण के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा पर उपवास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को संविदा कार्मिक के रूप में नियुक्ति एवं शासन एवं सरकार के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगातार शोषित किया जा रहा है, जिसका जल्द से जल्द भजनलाल सरकार समाधान करे। फर्जी दस्तावेजों के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब इस फर्जीवाड़े के तार डिडवाना से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में शामिल डिडवाना की फर्जी डॉक्टर का भी खुलासा हुआ है। इस महिला ने जाली दस्तावेज के जरिए RMC में रजिस्ट्रेशन करवाए और वर्तमान में सोनोग्राफी सेंटर चला रही थी। गीता कुमारी जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल बांगड़ अस्पताल के सामने इस सेंटर को संचालित कर रही थी, लेकिन पोल खुलने के बाद फर्जी डॉक्टर फरार हो गई है। उदयपुर के जंगल में सटे इलाकों में तेंदुए की दहशत कायम है। बीते एक माह में यहां तेंदुए के हमले से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आदमपुर बन चुका तेंदुआ जंगल किनारे स्थित घर में घुसकर लोगों का शिकार कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को जन जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। वन विभाग, स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों की मुस्तैदी के बाद उदयपुर के आदमपुर तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। उदयपुर के गोगोंदा में 5-8 किलोमीटर के दायरे में तेंदुओं से के हमले से 7 लोगों की मौत के बाद विभाग ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब इस आदमपुर के अंत के लिए हैदराबाद से शार्प शूटर को बुलाया गया है। बुधवार को हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब शारद अली खान उदयपुर पहुंचे। उन्होंने राठौड़ों के गुड़ा गांव के स्कूल में CCF सुनील बिद्री और DFO अजय चित्तौड़ा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ठगों के झांसे में आकर कई मासूम लोग लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं। ऐसा ही मामला अजमेर के सामने आया है, जहां आर्मी ऑफिसर से 5 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए गए हैं। बदमाशों ने ऑफिसर जितेंद्र यादव को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मुनाफा कमाने का झांसा दिया और उनसे 5,43,000 रुपए की ठगी कर ली। सीएम भजनलाल शर्मा ने विमुक्तु, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान आगामी समय में राजस्थान में होने वाली भर्तियों और पदों का खुलासा करते हुए कहा कि मैंने RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड से कहा है कि परीक्षाएं जल्द से जल्द करवाएं। दरअसल ये लोग छुट्टियों में ही परीक्षाएं करवाते हैं। उनका कहना है कि अगले 1.5-2 साल तक सभी छुट्टियों की परीक्षाओं की तिथि बुक हो गई है, तो मैंने इनसे कहा है कि हम 1-2 छुट्टियां और कर लेंगे, लेकिन आप परीक्षाएं जल्द से जल्द कराओ, जिससे हमारे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। CM बोले, हमने कहा है कि 1 साल में 1 लाख भर्तियाँ करेंगे। आज भी आपसे कह रहा हूँ, ज़्यादा भले ही हो जाएंगी लेकिन वैकेंसियाँ कम नहीं होंगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों और
एमपी के उज्जैन महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन अधीक्षक को कल एक पत्र मिला था जिसमें जैश ए मोहम्मद के जम्मू कश्मीर के एरिया कमांडर सलीम अंसारी के नाम से हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर आदि रेलवे स्टेशनों को 30 अक्टूबर को और उज्जैन महाकाल को 2 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था। पत्र में जम्मू कश्मीर के जेहादियों की हत्या का बदला लेने के लिए स्टेशन और उज्जैन महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी लिखी हुई है। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और बीएसएफ जवानों ने सीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस के साथ जंक्शन स्टेशन की तलाशी ली मगर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिलहाल जंक्शन स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था माकूल है और जीआरपी और आरपीएफ के साथ ही जंक्शन पुलिस तैनात है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत मिशन 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता से संबंधित 9600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में हमारा यह प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के लिए मंत्र को मजबूत करेगा। द नगरी न्यूज के डिजिटल बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।